हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज फिर हमने क्लास 8 के इंग्लिश बुक का सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर का हिंदी समरी लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए समरी को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रिंसेस सितंबर का हिंदी समरी। श्याम के राजा और रानी की 9 पुत्रियाँ थी। रानी के लिए इतने सारे नामों को, यानी कि अपनी बेटियों के नामों को याद रखना काफ़ी परेशानी की बात थी, इसलिए राजा ने उन्हें महीनों के नाम से बुलाने का निर्णय लिया ताकि उन सभी का नाम उनके लिए आसान हो जाए। जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम सितंबर रखा गया। राजा की एक विचित्र आदत थी। उनकी आदत थी कि वो अपने जन्मदिन पर किसी से उपहार लेते नहीं थे, बल्कि वो उपहार देते थे। एक साल उन्होंने अपनी सभी बेटियों को सोने के पिंजड़े में एक एक हरे तोते उन्हें उपहार में दिए। यह देखकर या यह पाकर जितनी भी सहजादी थी, यानी कि जितनी भी राजकुमारियाँ थी, वो 9 राजकुमारी, वो काफ़ी खुश थी। वे उनके साथ हर रोज़ 1 घंटा बिताती थी तथा उन्हें कुछ सिखाती थी। तोते 7 अलग अलग भाषाएँ बोलना सीख चुके थे। जो तोते थे वे लोग परमात्मा, राजा को बचाए और सुंदर पौली, इन सभी बातों का उच्चारण किया करते थे। परंतु सहजादी सितंबर ने एक सुबह अपने तोते को मृत पाया, यानी कि उनका तोता मर चुका था। वह रोई, बहुत रोती रही, उसे शांत नहीं किया जा सका। रानी ने नौकरानियों को उसके बिना खाने पे सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और खाना शुरू करते हैं। चूँकि नौकरानी को किसी पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने राजकुमारी सितंबर को जल्दी ही उनके बिस्तर पर पहुंचा दिया। इस प्रकार राजकुमारी बिस्तर पर अकेली पड़ी रोती रही। सहजादी ने एक छोटे से पक्षी को अपने कमरे में आते हुए देखा। उसने गाना शुरू कर दिया। इसने राजा के बाग, सुनहरी मछली, बिल्लो ब्रिज आदि के बारे में राजकुमारी को बताया। सहजादी अपने जो शाम का जो उनका खाना था, उस खाना को वो भूल जाती है और उसके गाने में वो डूब जाती है। छोटे पक्षी ने सहजादी का झुककर अभिनंदन किया। पक्षी ने उससे पूछा कि क्या वो अपने तोते की जगह उसे रखेंगी। पक्षी यह मान गया, वो चूँकि वो उतना खूबसूरत भी नहीं था जितना वो तोता था। सहजादी ने खुशी से ताली बजाई, क्योंकि पक्षी मान चुका था कि वो तोते का जगह लेने के लिए तैयार है। पक्षी ने गाना गाया और रात में सहजादी सो जाती है। अगली सुबह पक्षी ने सहजादी को नमस्ते किया। राजकुमारी ने उसे अपने हाथों से खाना दिया। उसने इसे अपने कटोरी में नहलाया। नौकरानियाँ यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पहले कभी किसी वैसे पक्षी का ऐसा खूबसूरत तथा मधुर गाना नहीं सुना था। सहजादी पक्षी को अपने 8 बहनों के पास ले जाती है। पक्षी ने सहजादियों को अलग अलग गाने सुनाए, यानी कि उनकी जितनी भी बहनें थीं सभी को अलग अलग गाने सुनाए। पक्षी को देखकर राजा और रानी दोनों खुश हो जाते हैं। राजा ने कहा कि पक्षी तोते से अधिक और अच्छा खूबसूरत तरीका से गाता है। उसने यह भी कहा कि उसे पक्षी को गाते सुनने में कोई भी एतराज़ नहीं था। वह तोते को बार बार पौली सुंदर कहते सुनने से ऊब चुका था। सहजादियों ने कहा कि तोते 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। राजा ने कहा कि उन्हें कहते सुनकर उसे अपने सलाहकारों की याद आ जाती है, यानी कि राजा का कहना था कि उनके सलाहकार बस उन्हीं के पीछे उन्हीं की गुण गाथाएं गाते रहते हैं। उसी प्रकार ये तोते भी हैं जो सिर्फ एक ही बात की रट लगाए रहते हैं। सहजादियाँ इस बातों को सुनकर नाराज़ हो जाती हैं। तोते भी कुछ उदास दिखने लगते हैं, परंतु पक्षी इधर उधर उड़ता रहता है। यह लार्क और बुलबुल की तरह गाता था। दूसरी सहजादियाँ सहजादी सितंबर से अब जलने लगी, यानी कि उससे ईर्ष्या करने लगी, इसलिए वे सितंबर के पास गई। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके तोते की मृत्यु पर बहुत ही दुख है, उसे तोता मिलना चाहिए। उन्होंने एक तोता खरीदने के लिए अपना जेब खर्च एक जगह सभी लड़कियों ने इकट्ठा कर दिया। यह सुनकर सितंबर ने उनका धन्यवाद किया। उसने कहा कि उसके पास एक पहले से ही पालतू पक्षी है, यह उसके लिए सबसे अधिक मधुर गाने वाला है। वह नहीं जानती थी कि वह तोते के साथ क्या करेगी। राजकुमारियों ने कहा कि उसके द्वारा पक्षी को अपना बताना गलत था।
उनका कहना था कि पक्षी अपनी मौज में उड़कर इधर उधर घूमते रहता है, कभी वो उनके साथ रहता है महल में, कभी बाहर चला जाता है। उन्होंने उससे पूछा कि पक्षी उस समय कहाँ है। सितंबर ने उन्हें बताया कि वह पक्षी अपने ससुर से मिलने गया था। राजकुमारियों ने कहा कि उसके वापस आने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अब वो जो पक्षी था वो कभी वापस ही नहीं आएगा। अगर वो वापस आ जाए तो वह इसे पिंजड़े में बंद कर दे। परंतु सितंबर ने उत्तर दिया कि वह इसे उड़ते देखना पसंद करती है। उन्होंने उसे बताया कि सुरक्षा पहले उद्देश्य होना चाहिए, और यह कहकर सभी राजकुमारियाँ चली जाती हैं। शहजादी सितंबर को यह सभी सुनकर बेचैनी होने लगता है, यानी कि उनकी जो बहनें थी उसके पास आती है और उसे इस बात के लिए उकसाती है कि वो जो चिड़िया हमेशा इधर उधर उछल कूद करते रहती है तथा पिंजड़ा में वो चिड़िया जो है वो नहीं रहता है, ठीक है, वो कभी अंदर बाहर यानी कि महल में कभी रहता है, कभी महल से बाहर चला जाता है। इस बार हो सकता है कि वो जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आए। शहजादी जो सितंबर थी, इन सभी बातों से वो बेचैन हो जाती है कि हो सकता है कि वो चिड़िया नहीं आए, और उनकी बहनों की बात भी सही हो कि वो उस चिड़िया के जगह पर पहले की तरह एक तोता रख ले। शहजादी सितंबर ने अपने छोटे पक्षी के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया। इसे शायद फंदों में पकड़ा जा चुका होगा, यह वो सोचने लगी, या बाजों ने उसे पकड़ लिया होगा, या यह उसे भूल गया होगा। परंतु अचानक उसने इसे अपने कंधे पर बैठे देखा। छोटे पक्षी ने सितंबर को कहा कि उसका ससुर एक पार्टी का आयोजन कर रहा था, सभी चाहते थे कि वो वहां रुके, इसलिए वो वहां कुछ देर रुक गया था। परंतु शहजादी सितंबर ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया, उसने पक्षी को तुरंत ही एक पिंजड़े में कैद कर दिया। पक्षी यह विश्वास नहीं कर सका, उसने पूछा कि यह क्या मजाक है। शहजादी ने पक्षी को बताया कि यह मजाक नहीं है, रात को बिल्लियां घूमती रहती है, पक्षी पिंजड़े में अधिक सुरक्षित रहेगा। पक्षी यह बात सुनकर मान जाता है तथा वो खुश हो जाता है और वो फिर से अपने गाना गाता है, लेकिन वह बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। अगली सुबह पक्षी ने शहजादी से अपने पिंजड़े से उसे बाहर निकालने के लिए कहा, परंतु शहजादी ने कहा कि अब यह संभव नहीं है, वो उसे बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है, उसके लिए वही जो पिंजड़ा है वो बेहतर है। पक्षी ने पिंजड़ों की सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश की, परंतु यह वह बाहर नहीं आ सका। दूसरी शहजादियाँ आई, उन्होंने शहजादी सितंबर को बताया कि पक्षी जल्द ही पिंजड़े का आदि हो जाएगा, यानी उसे पिंजड़े की आदत हो जाएगी। परंतु पक्षी ने पिंजड़े को खोलने के लिए बार बार राजकुमारी से मिन्नतें की। शहजादी ने पक्षी को गाने के लिए कहा, परंतु पक्षी ने कहा कि वह गा नहीं सकता है, वह वृक्ष, झील और चावल उत्पन्न करने वाले खेत देखना चाहता है। पक्षी ने उस दिन कोई गाना नहीं गाया, उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरी शहजादियों ने सितंबर को पक्षी के साथ सख्त रहने के लिए कहा, यानी कि कहा कि उसके साथ कोई नरमी से पेश ना आए। अगले दिन शहजादी सितंबर पिंजरे तक जाती है, वह पक्षी को देखती है और वो चिल्लाती है, उसे लगता है कि यह भी पहले की जो तोता था उसकी तरह मर चुका है, परंतु यह मरा नहीं था। शहजादी ने रोना प्रारंभ कर दिया। पक्षी ने कहा कि यह तब तक नहीं गा सकता है जब तक वह स्वतंत्र नहीं होगा, यानी कि वह जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक वो गाना नहीं गा पाएगा, और यदि यह नहीं गाता है तो वह मर जाएगा। शहजादी ने पक्षी को स्वतंत्र कर दिया, उसने वादा किया कि वह फिर उसे पिंजड़ा में कभी भी नहीं रखेगी। पक्षी ने उत्तर दिया कि यह शहजादी से प्यार करता है, यह उसके पास हमेशा आएगा तथा उसे प्रत्येक दिन अलग अलग गाना सुनाएगा, यह उसके लिए मधुरतम, बहुत ही बेहतर तरीके से गाने गाएगा, यह उसे कभी भी नहीं भूलेगा। पक्षी वहाँ से उड़ जाता है। यह देखकर शहजादी उदास हो जाती है, वह रोने लगती है। दूसरी शहजादी को जब इस बात का पता लगता है तो वो उसके पास आते हैं और सितंबर का यह कहकर मजाक उड़ाते हैं कि अब वो पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। परंतु कुछ समय के बाद पक्षी फिर से वापस आता है, वो सितंबर के कंधे पर बैठता है, इसके साथ ही वो उसके हाथों से खाना भी खाता है, उसने उसकी खातिर सुंदर गाने भी गाए। शहजादी ने अपनी खिड़की दिन रात खुली रखी, पक्षी जब भी चाहे वो आता था और वहाँ से चला जाता था। शहजादी धीरे धीरे बहुत ही खूबसूरत होने लगी। राजा ने उसकी कंबोडिया के राजा के साथ उसकी शादी कर दी।
उसे शहर में सारे रास्ते सफ़ेद हाथी पर ले जाया गया, परंतु उसकी बहनें अपनी खिड़कियां कभी खोलकर नहीं सोई। वे बहुत ही भद्दी हो चुकी थी, उनकी जितनी भी बहनें थीं वो भद्दी हो गई थी। राजा ने उसकी शादी अपने सलाहकारों के साथ कर दिया, उन्हें एक पौंड चाय और एक एक श्यामी बिल्ली इनाम के तौर पर दे दी गई। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।